সংবাদ মাধ্যম রাইজিস্ট বাংলার সাংবাদিক প্রতিনিধির সাথে এক সাক্ষাৎকারে ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের অগ্রগতি সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে মূল্যবান মতামত জানিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার ডক্টর দীপক শর্মা। এই ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের আগের চিত্রটা ঠিক কীরকম ছিল বা বর্তমানে শিক্ষার্থীরা কতটুকু ফেসিলিটি পাচ্ছে, আগামী দিনে আর কী ধরনের ফেসিলিটি পেতে পারে রাজ্যের শিক্ষার্থীরা, এমনকি রাজ্য ছাড়িয়ে বহিরাজ্য এবং বহির দেশের শিক্ষার্থীরা, এই বিষয়টা নিয়ে কিন্তু আজকে আমরা কথা বলবো। এই মুহূর্তে আমার সঙ্গে রয়েছেন ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার ডক্টর দীপক শর্মা। নমস্কার, স্বাগত আপনার। ধন্যবাদ, থ্যাংক ইউ। पहला जो विषय मैं आपसे जानना चाहूँगी, त्रिपुरा एक छोटा सा राज्य है, आप बहुत बड़ी बड़ी जगह में काम करके आए हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो त्रिपुरा यूनिवर्सिटी में आप आके यहाँ पे आपको कैसा लगा, यहाँ का माहौल कैसा है? त्रिपुरा विश्वविद्यालय मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि कोई जगह छोटी या बड़ी होती है, केवल चुनौती भरी है। काम करने के लिए बहुत सारे अवसर हैं, उन अवसरों को समझना होगा और उन अवसरों के हिसाब से जिस अनुसार जिस प्रकार हम आजकल विश्वविद्यालयों का जो एक आज की अर्थव्यवस्था में जो एक भूमिका बदलती जा रही है, हम केवल एक सर्विस इंडस्ट्री से उठ कर के हम एक एंटरप्रेन्योर प्रोड्यूसर के रूप में देखा जा रहा है। हमारे स्टूडेंट्स को किस प्रकार से उनको सोसाइटी में रिसीव किया जाएगा, किस प्रकार से उनको रोज़गार मिलेगा, किस प्रकार से वो अपना आर्थिक अर्जन कर सकेंगे, तो इस प्रकार के जो हम प्रोडक्ट मार्केट में मिनो लाएंगे, इस प्रकार की जो अवधारणा आजकल विश्वविद्यालयों के भूमिका से जुड़ी हुई है। সংবাদ প্রতিনিধির সঙ্গে সাক্ষাৎকারে দীপক শর্মা জানিয়েছেন, বর্তমানে ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয় সামগ্রিকভাবে দ্রুত গতিতে বিকাশের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে এবং নতুন নতুন সময় উপযোগে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে পঠন পাঠন থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সামগ্রিক উন্নতি দ্রুত গতিতে হচ্ছে বলে জানিয়েছেন তিনি। শিক্ষার প্রতি রাজ্যের ছাত্রছাত্রীদের আগ্রহের প্রশংসা করে দীপক শর্মা বলেন, রোজগারমুখী এমপ্লয়মেন্ট জেনারেশন সেন্টার হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়কে গড়ে তোলার জন্য দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে ভাইস চ্যান্সেলর এবং সবার সম্মিলিত প্রয়াসে। আগামী দুবছরের মধ্যে অবশ্যই এই ইতিবাচক ফলাফল দেখা যাবে বলে জানিয়েছেন রেজিস্ট্রার দীপক শর্মা। ইনিশিয়েটিভস লিয়ে হ্যাঁ উনোনে সিলেবাস কো রিভাইজ কিয়া জো কে आज के जो NEP पॉलिसी है उसके अनुसार बनाया, और बहुत सारी जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ की ज़रूरत थी वो उन्होंने बनाने में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, तो मैं उनके सहयोगी के रूप में जो भी अपना मेरा योगदान है, मुझे लगता है कि पिछले 2 साल में कार्य बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और इसको अभी के किसी NIRF ग्रेडिंग से जोड़ के नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इसका जो इफ़ेक्ट हमें पता चलेगा, जो इसका परिणाम आएगा वो 2 साल बाद आएगा, तो उसकी हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए। और मैं त्रिपुरा वासियों को ये विश्वास दिलाता हूँ कि त्रिपुरा विश्वविद्यालय बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, बहुत प्रगति कर रहा है, और इस तरह से चलता रहा तो त्रिपुरा यूनिवर्सिटी नॉर्थ ईस्ट की सबसे नंबर 1 यूनिवर्सिटी बने, ऐसा कोई रोक नहीं सकता। বিশ্ববিদ্যালয়ের B+ রেটিং পাওয়া সম্পর্কে রেজিস্ট্রার দীপক শর্মা জানিয়েছেন, এই মূল্যায়ন 2020 পর্যন্ত বছরের ভিত্তিতে করা হয়েছে এবং এ পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতি সন্তোষজনক। আগামী দিনে A+ রেটিং পাওয়ার লক্ষ্যে ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয় দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলছে এবং এর জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন দীপক শর্মা। मुझे लगता है कि हम समय रहते हुए, अभी तो डिस्टेंस एजुकेशन चल रहा है, हम समय रहते हुए कुछ ऐसा कदम ज़रूर उठाएंगे और जो सिस्टम हैं और जो रूल्स एंड प्रोसीजर्स हैं उनको समझते हुए ऐसा स्थिति नहीं आएगी कि डिस्टेंस एजुकेशन बंद होगा, क्योंकि डिस्टेंस एजुकेशन की त्रिपुरा यूनिवर्सिटी में बहुत ज़रूरत है। बहुत सारे एरियाज वेल कनेक्टेड नहीं हैं, छात्र इतने संपन्न नहीं है, साधन संपन्न नहीं है कि वो रोज़ विश्वविद्यालय में आके पढ़ सके, तो उनके लिए डिस्टेंस एजुकेशन बहुत आवश्यक है और हम डिस्टेंस एजुकेशन की अनिवार्यता को समझते हैं
और आप विश्वास रखिए कि वो बंद नहीं होने वाला, आपको जल्दी ही समझ चलेगा पता कि वो जो है हमने अपने मेहनत से उसको बचा लिया। त्रिपुरा विश्वविद्यालय डिस्टेंस कोर्स बंध हबार प्रसंगे रेजिस्ट्रार दीपक शर्मा जानिएछेन बर्तमाने विश्वविद्यालय एक कोर्स चालू आछे एबं भविष्यतेओ जाते डिस्टेंस कोर्सेर माध्यमे छात्र छात्रीरा पढ़ाशुना करते पारे तार जोन्नो विश्वविद्यालय उपयुक्त पदक्षेप ग्रहण करबे। राज्येर काज करार अभिज्ञता तार काछे खुबई आनंदमय अनुभूति बोले जानिएछेन रेजिस्ट्रार दीपक शर्मा। ब्यूरो रिपोर्ट, राइजेस्ट न्यूज़।